अम्मी 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 क्या हुआ मम्मी को? अम्मी मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो अमानत अम्मी 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 क्या हुआ मम्मी को? अम्मी अम्मी इधर इधर बैठा राहिल से हुई बात? वही मिला रही हूँ। कॉल ही नहीं लग रही है। कहाँ है राहिल भाई और समरा भाभी? जी वो दावत में गए हैं। और तुम कहाँ थी? जी वो मैं सलमा बीबी के लिए रोटी बना रही थी। तुम्हें तो बाद में पूछती हूँ, डॉक्टर को ले आओ, मैं अम्मी के पास। तुम क्या सर पे खड़ी हो, जाओ यहाँ से। सुनहरा बांटी ठीक है ना? प्लीज और परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं, उनकी हालत देखी थी, क्या हुई हुई थी। और यहाँ हमारे भाई भाभी, इन लोगों को सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सुनहरा, हम आंटी से कह कर गए थे, हम तो नहीं जा रहे थे लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, और नरगिस भी तो है ना घर पे। अम्मी ने कह दिया और जान छूट गई आप लोगों की, और नरगिस का नाम ना लेना मेरे सामने। अम्मी घर के नौकरों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी और भाई की जिम्मेदारी है। देखा डॉक्टर ने क्या कहा था, शुगर लो थी उनकी। नहीं, कब से कुछ खाया पिया नहीं होगा उन्होंने। मैं नरगिस से कह के गई थी कि आंटी को टाइम पे खाना देना। जब घर के मालिक के घर वालों का ख्याल नहीं रखेंगे, नौकर क्या खास ख्याल रखेंगे। मेरा दिल घबरा रहा था सुबह से, मेरे दिल को कुछ हो रहा था। दो दिन से अम्मी की कॉल भी नहीं आई थी, मुझे क्या पता था ऐसा सलूक हो रहा होगा मेरी माँ के साथ। सुनिए बांटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? राहिल ऑलरेडी परेशान है, तुम इस तरह बोलोगी तो वो। मैं तो बोलूंगी, और आने दो राहिल भाई को, उनकी तो खबर लेती हूँ मैं। मेरी माँ ऐसी कोई गई गुजरी नहीं है। सोच के कुछ हो रहा है, मैं टाइम पे ना आती तो खुदा ना खास्ता क्या हो जाता। जुनेद कितना केयरलेस लगता है ना, लेकिन अंकल आंटी के मामले में वही रिवायती मर्द है, ताबे और फर्मा बरदार बेटा। सुनिए ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उसने कहा है कि सिर्फ शुगर लेवल लो हो गया था, थोड़ी सी वीकनेस है, दैट्स इट। तुम नरगिस से कहो कि सूप बना के ले आए। रहने दे, नरगिस तो जो सूप के नाम पे बनाती है ना, उसे सूप के अलावा कुछ भी कहते। जब ऐसा कुछ होता था ना, खुद खड़े होके मैं सूप बनाती थी। मैं बना देती हूँ आंटी के लिए खुद सूप। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई फुल टाइम केयरटेकर रख लूँ अम्मी के लिए। नरगिस तो घर के कामों में लगी होती है, और माशाल्लाह से आप दोनों काफी मसरूफ रहते हैं, ऐसे में अम्मी के पास कोई तो होना चाहिए ना। करती हूँ बात मैं बाबा से। नहीं जोनी, केयरटेकर की कोई जरूरत नहीं है, हम एक दो दिन से थोड़ा बिजी थे, लेकिन ये हर वक्त अम्मी के साथ ही तो होती है। हाँ वो मैंने देख लिया है कितना साथ होती है अम्मी के। भाई बड़ी साफ सी बात है, मैं तो अपनी माँ से करती हूँ बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन आप तो ये बात नहीं समझेंगे ना। सुनी मैं और समरा अम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं, बस एक दो दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आपने फिर भी प्लान बना लिया दावत का? नहीं, मना किया था हमने उनको, लेकिन वो मानी नहीं। जाहिर सी बात है, अब वो मना तो नहीं करेंगी। मैं खुद ही जाके सूप बनाती हूँ। मैं नहीं, ठीक है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।